हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आप देख रहे हैं बिग बिलियन फेस्टिवल न्यूज #1। तो यार ये पहला सेशन है इसका, तो मैं सोच रहा हूँ एक ना न्यूज ऐसा टाइप कुछ बना दिया करूंगा कि आज के दिन में क्या अपडेट रहने वाली, क्योंकि इससे ना पता चल जाता है और चीजें काफी सॉल्व हो जाती है। चाहे अच्छा हो या बुरा हो, न्यूज जरूर दूंगा आपको, पता रहेगा कि आपको क्या तैयारी रखनी है। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट अ डिले। अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया ना, तो वो जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पे ना लाइटनिंग फास्ट अपडेट देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा समय लग जाता है, तो वहां पे कर लेना जी फॉलो, यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लो अगर ऐसी न्यूज चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वो है यार, सबसे पहले तो Xiaomi की सेल हो चुकी है पार्शली लाइव। 11i की सेल आई थी, जो काफी बढ़िया फोन है Xiaomi की तरफ से। 120 वॉट चार्जिंग जो 20,000 रुपए में मिल रहा था अभी सिर्फ एक डेढ़ घंटे के लिए, वो मैंने अपने इंस्टा पे डाला भी था। बट अब इस टाइम पे वो लाइव नहीं है, वो बिग बिलियन में दोबारा आएगा लाइव, तो आपको अगर वो फोन लेना है तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो सेल लाइव है ना, वो है Redmi 9i के ऊपर, Note 11 SE के ऊपर, 9i Sport, 10 Prime, 10T, ये सारे फोन इस समय लाइव है। अगर आप कोई भी फोन लेना चाह रहे हैं 10 से 15,000, तो काफी ऑप्शंस मेरे को लगता है अभी लाइव है। Realme, Infinix और Xiaomi तो मेरे को लगता है बेस्ट प्लेयर है इस मार्केट का, तो अब वो लाइव हो गया तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं अगर आपको लेने का मन है इस रेंज के फोन। तो Xiaomi इज लाइव, बहुत ज्यादा धमाकेदार कोई नई बहुत तगड़ी वो नहीं आई, सिर्फ 11i पे ही आई थी। इसके अलावा टैबलेट देखने को मिल रहा है एंड्रॉइड के, जैसे एक तो है Realme Pad 4 जो 10,000 रुपए तक का मिल सकता है आपको, जो कि मुझे लगता है एक ठीक ठाक प्राइस है एक टैबलेट के लिए, क्योंकि इसके अंदर G80 हीलियो प्रोसेसर आता है और मतलब इतना अच्छा नहीं है, बट 10,000 के हिसाब से अगर आ गया ना इसका प्राइस तो बढ़िया हो जाएगा। पर अभी लाइव नहीं है, अभी लाइव ओप्पो पैड एयर 4 करके आया एक, वो काफी अच्छा लग रहा है मुझे, इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो आपको मिल रहा है 13,400 रुपए का, और 13,499 में मुझे लगता है काफी डिसेंट है, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर आ जाता है, 2K IPS डिस्प्ले है, और मुझे लगता है इस रेंज में ना तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया टैबलेट है और बहुत ज्यादा बढ़िया टैबलेट है। ये अगेन लाइव नहीं है, बट ये आ जाएगा सेल में, अभी भी काफी ठीक ठाक प्राइस का मिल रहा है, 16,400 का है, उसके ऊपर आप अपना कार्ड डिस्काउंट लगा पाएंगे तो अभी भी ठीक है, बट सेल के अंदर 13,500 का आएगा, विच इज गुड आई वुड से। अब जो सब वेट कर रहे हैं जिस चीज के लिए, वो है मैकबुक। तो मैकबुक ने तो यार बहुत मतलब आज दिल तोड़ दिया है हद से ज्यादा फ्लिपकार्ट ने, क्योंकि एक तो रिवील बहुत बेकार किया है, एक तो इंट्रीग कर रहा है रिवील नहीं कर रहा, ठीक है, और उसके अंदर भी मैकबुक 16GB रैम वाले वेरियंट का 99,000 प्राइस डाल के छोड़ दिया। यार 16GB रैम थोड़ी लेना यार, लोगों को 8GB लेना है सबको, तो 8GB वाले का प्राइस बताओ ना यार, 8GB का उन्होंने घपला कर दिया बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल, जबकि 8GB का शॉप क्रोमा पे मिल रहा है, रिलायंस पे मिल रहा है और एप्पल की अपनी वेबसाइट पे भी मिल रहा है, तो ये थोड़ा इन्होंने अभी मजाक कर दिया। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इन सब प्रोडक्ट की ना, लैपटॉप की, एप्पल वॉच की भी मैं बताऊंगा, इन सब में ना इन्होंने कोई खास रिवील नहीं करा है, ये आपको उसी दिन ही तैयारी रखनी पड़ेगी पूरी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, जहां सस्ता है आपको खरीदना चाहिए वहां से, क्योंकि इस टाइम पे रिलायंस में मैंने प्राइस चेक किया 88 चल रहा है डिजिटल पे, क्रोमा पे 88 चल रहा है, एप्पल पे चल रहा है 90,000 स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ, अगर आप स्टूडेंट हो तो, उसके साथ एयरपॉड्स भी फ्री है, तो टेक्निकली एयरपॉड सेकंड जन की अगर हम 10,000 वैल्यू भी लगाए तो इफेक्टिवली 80,000 रुपए का आपको एप्पल की वेबसाइट पे M1 मिल रहा है। तो सेल में यार अगर वो अवेलेबल हो जाएगा तो भाई 70 तो कहीं नहीं जाता है, इससे कम, इससे मतलब इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए यार, 70-75 तक हो सकता है अगर सेल में आया या नहीं आया, जो भी होगा ना वो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा चैनल के ऊपर, क्योंकि कई बार क्या मैंने देखा ना, रिलायंस डिजिटल पे एकदम से सेल आ सकती है, क्योंकि इस टाइम पे ना बिग बिलियन डे के टाइम पे क्रोमा, रिलायंस डिजिटल सब एक्टिव हो जाते हैं बहुत हाई लेवल पे। तो जरूर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मतलब अपना फ्लिपकार्ट और अमेजोन ही देखने हैं, बाकी सारे प्लेयर भी हैं जो बहुत बढ़िया और रिलायबल है। मैंने काफी सारी ये सब क्रोमा और रिलायंस से भी चीजें ऑर्डर करी हैं, कई बार तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी सस्ते में, तो ये चीज तैयारी जरूर रखनी है। तो उस तैयारी को रखने के लिए आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी इसमें अपडेट दे सकूं। इसके अलावा एप्पल वॉच में भी बहुत ही गंदा सा इन्होंने रिवील करा है, अप टू 20% ऑफ। ये क्या होता है भाई अप टू 20% ऑफ, हमें भी पता है, तो मतलब अगर हम मैच कर लेते हैं, चलो 44,000 की अभी 45 मिल रही है तो 35,000 ही कह रहे हैं, अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, बट मेरे को नहीं लगता ये अप टू का इतना मतलब इतना बढ़िया मैच हमें करनी चाहिए इसके अंदर अप टू में, तो बाकी देखते हैं क्या होता है यार। ये इस चीज के लिए तो आपको पूरी तैयारी रखनी पड़ेगी। अब मैं एक जल्दी से ना एक वीडियो और एक लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको चेकलिस्ट दे दूंगा कि क्या क्या करना है सेल से पहले, कहाँ से आपको सेल ज्यादा फायदेमंद रहेगी, ऐप से, वेब से, तो थोड़ी आपको एक चेकलिस्ट वाली वीडियो आएगी जल्दी, तो उसके लिए भी आप मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां से आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा iPhone 13 खरीदना, क्योंकि 13 तो यार बहुत लोगों को लेना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।